कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज गोरखपुर के बीआरडी अस्पताल के पीड़ितों से मुलाकात की। बाघा गाड़ा में उन्होंने ब्रह्मदेव यादव के घर जाकर उनसे मुलाकात की। ब्रह्मदेव यादव के जुड़वा बच्चों की हाल ही में बीआरडी अस्पताल में मौत हो गई थी। इस दौरान राहुल के साथ गुलाम नबी आजाद और आरपीएन सिंह थे। इसके अलावा भी आसपास के कई गाँवों में पीड़ित परिवारों से राहुल गांधी ने मुलाकात कर उनका दुख बांटने की कोशिश की। खास बात यह है कि राहुल ने गोरखपुर दौरे में पुलिस के सुरक्षा घेरे को कम करने का अनुरोध किया था। राहुल की दलील थी कि उनके काफिले में राज्य के पुलिसकर्मियों की तादाद कम रखी जाए। आपको बता दें, गुजरात के बनासकांठा दौरे के दौरान राहुल की गाड़ी पर पथराव हुआ था और वहां पर प्रशासन ने राहुल को बुलेट प्रूफ गाड़ी दिए जाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे राहुल ने लेने से इनकार कर दिया था। और इस दौरान जब उनकी गाड़ी पर लोगों ने पथराव किया था, तो इसे कांग्रेस ने एक बड़ा मुद्दा बनाकर बीजेपी को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मुख्यमंत्री ने कोई एक्शन नहीं लिया, सिर्फ जो है वो इस मुद्दे को हटाना चाहते हैं और ये घटिया तरीके से बातें करके अपने मुख्यमंत्री के गौरव का, उस कुर्सी का अपमान कर रहे हैं, जिसमें कोई संवेदना नहीं है। अगर गरीबों के दर्द के लिए अगर राहुल जी आए हैं यहाँ पर, उनको ये कहना कि उन्होंने वाकई गरीबों के बीच में आकर उनके दर्द को सुनने का काम किया, उनके दर्द को हल्का करने का काम किया है, इन स्पाइट ऑफ दैट ये कहना कि यहाँ पर वो क्यों आए हैं, ये शायद ये मुख्यमंत्री महोदय का अपना छोटापन और कहीं ना कहीं उनको घबराहट हो रही है कि राहुल गांधी के आने से न्याय जरूर मिले।